पंजाबी मां बोली भी आपां गल कर रहे हैं, विदेशों में पसार की गल कर रहे हैं, साढ़े वास्ते बड़ी माण की गल है कि मलकीत सिंह होना नूं साढ़े जिहड़े गायक ने इंग्लैंड दे विच एलिजाबेथ राणी होना दे कोलों क्वीन दे कोलों अवार्ड मिलिया पंजाबी मां बोली की सेवा करके। सो इस पासे नूं देखदे हां तां बड़ा माण भी हुंदा और दूजे पासे साढ़े कोल लिखण दे विच भी पंजाबी दे विच तुसीं कह रहे बहुत सारा काम हो रहा, पर फिर भी कदे कदे जदों अजिहियां खबरां सुणन नूं मिलदियां ने कि UNO वालों इहो जिहा कहा गया कि पंजाबी भाषा जिहड़ी है उह छेती ही अलोप हो जाएगी, तो गल समझ नहीं आउंदी। फिर मैं दूजे सवाल का जवाब फेर देवांगा। मैं पहले सवाल के जवाब नाल किया तुसीं मलकीत सिंह नूं उन्होंने अवार्डड किया, उन्होंने बुला के सन्मान दिता, उस तो बाद पिछे जे गुरदास मान साहब नूं डॉक्टरेट की उपाधि दिती गई, उसते मेरा एक लेख छपया सी जिस दिन मैं न्यूज पढ़ी, मेनू तो उस नाल मेरा मान नाल सिर नीचा होया, मैं तो उस नाल बहुत हार्ट होया मलकीत नूं अवार्ड देने तो भी ते गुरदास मान साहब नूं भी। मैं तो उदन ही मेरा आर्टिकल छपया सी गुरदास मान उन्हां नूं मिली डॉक्टरेट की उपाधि नाल, गुरदास मान ते पंजाबियों का सिर झुकया, खैर मैं पंजाबियों का लिख गया, मैं मेरा कह सकता सी भी मेरा जरूर झुक गया सी। उहदा मैं रीजन यही दिता सी भी जदों मैं उन्होंने पूछा उत्थे मेरी गल हुई भी तुसीं क्यों अवार्ड दे रहे हो, वो कहिंदे इस बंदे ने अपनी मां बोली की सेवा करी है असीं क्यों ना देईए, ते मैं कहा इहदे जिहड़े साडियां यूनियां बैठियां ते उन्हां नूं नहीं दिखी इहदी मां बोली की सेवा, सानू शर्म ना मर जाना चाहिए, 25 तो 30 साल तो पंजाबी मां बोली की सेवा कर रहे हैं ते इन्ना कुछ उन्होंने दिता सानू कोई नहीं दे सकता, ते फिर उन्हां दी अवार्ड दे रही है उन्हूं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी, तो यह तो एक अपने चपेड़ सी मेरे हिसाब नाल तां जो अपने इन्होंने किसी ढंग नाल ला दित्ती है ਉਹੀ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰੋਂਗ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਰ ਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਂਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੀ।